स्टूडेंट्स सी ए करेशमा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी चालू करते हैं अपने जियोग्राफी के लास्ट चैप्टर दैट इज लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकनॉमी कि इंडिया की लाइफ लाइन्स क्या क्या है इंडिया किस इंडिया की जो इकनॉमी है वो किस तरह से चल रही है पहले आज अपन इंट्रोडक्शन देखेंगे और थोड़ा बहुत रोडवेज के बारे में देखेंगे वी यूज डिफरेंट मटीरियल एंड सर्विसेज इन आर डेली लाइफ सम ऑफ दिस आर अवेलेबल इन आर इमीडिएट सराउंडिंग अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेड बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर गुड्स एंड सर्विस डू नॉट मूव

हर कोई मटेरियल अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में हो वह ज़रूरी नहीं है अगर वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में नहीं है तो वो अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में पहुंचाया जाता है थ्रू ट्रक्स थ्रू रेलवेज तो ये सारी तो बोलते हैं ना कि आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए गुड्स को अपनी प्रोडक्शन वाली जगह से डिमांड वाली जगह पे पहुंचाना पड़ता है यहाँ पे ये प्रोड्यूस हो रहा है सपोज महाराष्ट्र में पर इस प्रोडक्ट का डिमांड गुजरात में तो उसको महाराष्ट्र से गुजरात तक पहुंचाना पड़ता है तो ये अपन को इससे अपन को पता चलता है कि ये गुड्स को मूव करवाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह के अपन को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटेटिंग दिस मूवमेंट दे आर नोन टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोड्यूसर कम टू द कंज़्यूमर बाई ट्रांसपोर्टेशन ऐसा बोल रहे हैं जो ट्रेडर्स लोग होते हैं वो ये काम करने में हेल्प करवाते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर को एक साथ मिलाने में हेल्प करते हैं जो उन लोगों को एक सामान को दूसरे सामान में पहुँच एक जहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको उन तक पहुँचाता है जो एक्चुअली उसको क्या कर रहा है कंज्यूम कर रहा है तो ये जो बंदा है जो बीच में ये काम कर रहा है उसको हम ट्रेडर बोलते हैं ठीक है दिस आर नॉन ए स्टेडे हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन दस ऑफ़ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ देर ओन ओवर स्पेस ऐसा बोल रहे हैं किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह गुड्स मूव कर रहे हैं और कितना अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वहाँ की है इसीलिए किसी भी कंट्री को अगर अच्छा बनना है तो उसको क्या चाहिएगा एक एफिशियंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिएगा एक फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिएगा ताकि उसके पॉपुलेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके मूवमेंट ऑफ़ दिस गुड्स एंड सर्विस कैन कैन बी ओवर थ्री इंपॉर्टेंट डोवेंट ऑफ़ द अर्थ ऐसा बोल रहे किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज़ का मूवमेंट तीन बेसिस पे हो सकता है या फिर वो लैंड पे होगा या फिर वो वाटर पे होगा या फिर वो एयर पे होगा ठीक है फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वो रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड स्पेस बहुत टाइम तक जो ट्रेड जो था वो बहुत लिमिटेड स्पेस में किया जा रहा था मतलब गुजरात वाले लोग गुजरात में जो बनता है वही प्रोड्यू वही खाते थे वही पीते थे फिर क्या हुआ धीरे धीरे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी वो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में भी थोड़ा सा बोलते हैं ना चेंजेस आने लगे इसीलिए आज के टाइम पर ऐसा बोलता है कि वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन गया मतलब आपको अगर कोई भी सामान चाहिए वो भले अमेरिका में भी मिल रहा है तो आप उसको ईजीली क्या कर सकते हैं अपने पास लेके आ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ने आज के टाइम में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट अचीव कर दिया है कि अपन को अगर कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो अपन को बहुत ज्यादा क्विकली मिल जाता है इंडिया बहुत ज्यादा अच्छे से लिंक्ड है द द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज वैरायटी एंड एंड लिंग्विस्टिक सोशल ठीक है क्या बोल रहे हैं कि इंडिया बहुत इजीली आज है ना वर्ल्ड के साथ बोलते ना लिंक हो पा रहा है भले वो कितना भी हो उसके पास इतनी ज़्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी है तो भी वो इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ आज है ना कदम से कदम मिला चल पा रहा है क्योंकि वहाँ की जो रेलवे एयरवेज़ वाटरवेज फैसिलिटीज़ है उसने हमारे इंडिया के प्रोग्रेस करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की है द ट्रेड फ्रॉम द लोकल्स टू इंटरनेशनल लेवल हैव टू द विचिलिटी ऑफ इट्स इकनॉमी ऐसा बोल रहे हैं जिस तरह से हम हमारा प्रोडक्शन मतलब अपने लोकल इंडिया से दूसरी जगह दूसरी इंटरनेशनल जगहों पे पहुंचाने लगे इससे पता चल रहा है कि इंडिया कितना ग्रो करने लगा है आगे देखते हैं इट हैज़ एंड रिचर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रो ग्रोइंग हमेनिटीज़ एंड फैसिलिटी फॉर कम्फर्ट ऑफ़ द लाइफ ऐसा बोल रहे हैं इसने अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना दिया है और हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल बना दिया है हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि किस तरह से तीन तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन के तरीके हैं लैंड वाटर एंड एयर लैंड में रेलवेज रोडवेज एंड एंड पाइपलाइंस वाटर में में इनलैंड ओवरसीज एयर क्या है डोमेस्टिक एयरवे इंटरनेशनल एयरवे डोमेस्टिक में भी पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट ये अपन को सारी चीजें देखनी है आज ठीक है सबसे पहले अपन ट्रांसपोर्ट के अंदर रोडवेज देखेंगे कि रोडवेज में क्या क्या है कुछ आज बेसिक देखेंगे रोडवेज का कि क्या है तुम्हारे रोडवेज के अंदर सबसे पहले देखते हैं क्या बोला गया इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड इंडिया के पास सबसे बड़ा लार्जेस्ट क्या है रोड नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड के वर्ल्ड के कंपैरिजन में कितना है टोटल फिफ्टी सिक्स लैख किलोमीटर अपने यहाँ पे कितना रोडवेज है फिफ्टी सिक्स ,00 लैख किलोमीटर का इन in इंडिया रोडवे हैज़ प्रिसडेड रेलवेज ऐसा बोल रहे हैं रोडवेज हमेशा रेलवे से आगे रहा है इन टर्म्स ऑफ बोलते हैं ना जितना एरिया वो कवर करता है वो तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है दिस स्टिल हैव एन एज ओवर रेलवेज इन व्यू ऑफ द ईज विथ विच दे कैन बिल्ड एंड मेंटेन ऐसा बोल रहे हैं हमेशा एक रोडवे का रेलवेज के ऊपर एक एज रहेगा क्योंकि रोड बनाना ज़्यादा ईजी है कंपेरिजन टू रेलवेज द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट वाइज विज़ा विज रेल ट्रांसपोर्ट इज रूटेड इन द फॉलोइंग रीज़न किस वजह से आज के टाइम पे रेल ट्रांसपोर्टेशन या फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उसका क्या रीज़न है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन द रेड इज मच लोअर देन रेलवे लाइन्स तुम्हारा खर्चा रोड बनाने का रेलवे बनाने का बहुत अलग है रोड बनाना सस्ता है जबकि रेलवे बनाना महंगा है रोड कैन कन्वर्स ट्रांसवर्स कम्पेरेटिवली मोर ठीक ऐसा बोल रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा अनड्यूलेटिंग ट्रैप टोपोग्राफी है मतलब जो बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ पे आप रेलवे नहीं बना सकते पर हम लोग हमारी रोड बना सकते हैं हम उसको हमारे हिसाब से डाइवर्स कर सकते हैं इसीलिए रोड का जो इंपॉर्टेंस है वो रेल से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है फिर रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंस ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रांसवर्स माउंटेन्स सच एस हिमालय भाई ठीक है हम लोग उस पर कैसे भी स्लोप्स बना सकते हैं हम लोग हिमालय पे भी उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस वजह से उसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ रही है फिर रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ़ फ्यू पर्सन एंड रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस जब हमको शॉर्ट डिस्टेंस पे है ना कुछ गुड्स या कुछ करवाना होता है ट्रांसपोर्ट तो रोड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा सस्ता पड़ता है और उसका कम वो बोलते हैं ना ज़्यादा कन्वीनियंट भी होता है इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस रोड अपन को रोड रोड जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अपन को अपने घर तक पहुँचाता है जबकि रेलवे अपन को स्टेशन तक छोड़ता है तो रोड के वजह से अपन को डो टू डो सर्विस मिलती है पर रेलवे में ऐसा नहीं होता है रोड ट्रांसपोर्टेशन अगर नहीं होता तो रेलवे सी और ये सब कुछ भी नहीं होता तो ये हमारा बेसिक फीडर है मतलब है जिसके पे दूसरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं ठीक है इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग सिक्स क्लासेस अकॉर्डिंग टू दै कैपेसिटी इंडिया में रोड्स को छः कैटेगरी में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग क्या अकॉर्डिंग टू दै कैपेसिटी कितना कैपेसिटी है उसके अंदर उसके बेसिस पे ठीक है सबसे पहले एक जो है वो है गोल्डन कॉड्रिलेटर सुपर हाईवे अब ये क्या है गवर्नमेंट ने एक मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो दिल्ली कोलकाता चेन्नई मुंबई ये सबको लिंक करता है ए एंड दिल्ली बाय सिक्स लेन सुपर हाईवे छः लेन का सुपर हाईवे बनाया गया जो दिल्ली से कोलकाता कोलकाता कौल, से चेन्नई चेन्नई से मुंबई एंड दिल्ली ये पूरे को लिंक करता है द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लाइक लिंकिंग श्रीनगर एंड कन्याकुमारी एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलहार एंड पोरबंदरा पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऐसा बोलो ये कन्या को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी सारी चीज़ों को कवर कर दे इस तरह से यह प्रोजेक्ट बनाया गया द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ़ दिस सुपर हाईवे इज़ टू रिड्यूज़ द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेगा सिटीज इसका मेन पर्पज ये है कि जो मेन मेगा सिटीज है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो चुके बीच में जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है उसको हम क्या कर सके कम कर सके आगे देखते हैं दिस हाईवेमेंटेड बाई द नेशनल प्रोजेक्ट है वो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है वो इंडिया में कौन उसको सक्सेसफुल बना रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ठीक है अब सेकेंड देखते हैं नेशनल हाईवेज नेशनल हाईवे लीम्स एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री नेशनल हाईवे का काम क्या है जो एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज है उसको एक दूसरे से ज्वाइन करने का काम क्या किसका है नेशनल हाईवेज़ का दिस आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर एंड आर लेड एंड मेनटेन बाई सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ये जो है ये हमारे मेन प्राइमरी रोड सिस्टम है जिसको मेंटेन करने का काम सी पी डब्लू डी दैट इज सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का है अंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे लर्न इन द ना नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट एंड द वेस्ट डिरन ऐसा बोल रहे जो बहुत सारे हाईवेज है जो नॉर्थ से साउथ एंड ईस्ट से वेस्ट क्या करते हैं फ्लो करते हैं आगे द हिस्टोरिकल शेर शाहूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल नेशनल हाईवे नंबर वन जो जो हिस्टोरिक शेर शाह सूरी मार्ग है मतलब जो रास्ता है उसको नेशनल हाईवे नंबर वन बोला जाता है जो दिल्ली से अमृतसर तक क्या करता है पूरा चलता है ठीक है ये तुम्हारे नेशनल हाईवेज़ हो गए जो अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करता है तुम्हारे अलग अलग नेशंस को कनेक्ट करता है अब तुम्हारा आता है स्टेट हाईवे स्टेट हाईवे ये जो है अलग अलग स्टेट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है ये मेन स्टेट्स को कनेक्ट करता है ये मेन डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है ये जो रोड्स है इसको मेनटेन करने का काम किसका है स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का पी क्या स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का डिस्ट्रिक्ट रोड क्या है डिस्ट्रिक्ट रोड जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर अंदर पार्ट है उनको कनेक्ट करने में काम करता है ये मेंटेन कौन करता है ये इसको मेंटेन करते हैं ज़िला परिषद वाले कौन मेंटेन करते हैं ज़िला परिषद वाले रूरल रोड विच रिंक रूरल एरिया एंड विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी अदर रोड्स में आती है रूरल रोड्स अब रूरल रोड्स क्या है रूरल रोड वो रोड है जो विलेजेस को सिटीज़ के साथ कनेक्ट करती है उसको हम रूरल रोड बोलते हैं दिस दिस रोडीव स्पेशल इम्पैक्टेंस अंदर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इस ये वाली रोड्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस स्कीम के अंदर स्पेशल प्रोविजन बनाए गए सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय ऑल द सीजन मोर्टेबल रोड ऐसा बोल रहे हैं इसके अंदर बहुत सारे इस ये जो एक्ट पास किया और इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजन बनाए गए जिसके द्वारा इस तरह से बनाया गया कि विलेजेस किसी ना किसी तरह से सिटी से कनेक्ट हो पाए ताकि विलेजेस का भी क्या हो डेवलपमेंट हो लास्ट है तुम्हारी बॉर्डर रोड्स अब बॉर्डर रोड्स मतलब uh, ऐसी रोड जो तुम्हारी बॉर्डर पे बनाई जाती है अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरिया बॉर्डर एरिया पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखने का काम है वो किसका है तुम्हारे गवर्नमेंट की जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है उनका ही है. ये ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन में डेवलप uh, डेवलप की गई थी ताकि है ना हम लोग इस तरह से हमारे रोड्स बना सके बॉर्डर पर ताकि हमारे जो सिपाही है हमारे जो सोल्जर्स है उनको फाइट करने में कोई दिक्कत रोड्स को कैन बी क्लासीफाइा ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियल यूज रोड को हम लोग उसके मटीरियल किस तरह का यूज हो रहा है उसके बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते एक है मेटल्टेड एन एक है अनमेल्टेड अब अन मेटल्टेड रोड में बी मेडअप ऑफ सीमेंट मेटल्टेड रोड इज कैन बी मेडअप ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल देर फॉर दिस आर ऑल वेदर रोडल मेटल्ड रोड गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन ऐसा बोल रहे दो टाइप की रोड है एक मेटल रोड एक अनमेटल मेटल रोड में क्या होता है सीमेंट और बिटूमिन यूज होता है जबकि अन मेटल रोड जो कच्ची रोड होती है जो रेनी सीजन में इतनी ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती वो तुम्हारी अनमेटल रोड होती है ठीक है स्टूडेंट्स तो यहाँ पे तुम लोगों का रोड का पूरा का कांसेप्ट खत्म हुआ नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में रेलवे पाइपलाइंस और वाटरवेज के बारे में देखेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा अपने मैप्स बाकी है मैप्स अपन लोग लास्ट में करेंगे मोस्टली मैप मैं आप लोगों को क्लास में ही करवाऊंगी ओके स्टूडेंट्स